गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको वाहनों में लगे रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है तथा इस सिस्टम में स्टीयरिंग रेशो क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग सिस्टम में लगे हुए पार्ट्स। ये आपको एक रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग सिस्टम दिखाया गया है। इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं स्टीयरिंग व्हील, जिसके सेंटर में एक हब बना होता है जिसके अंदर स्पैन कटे होते हैं, और ये आप देख रहे हैं स्टीयरिंग कॉलम या स्टीयरिंग आउटर ट्यूब, जिसके अंदर एक स्टीयरिंग शाफ्ट फिट रहती है। शाफ्ट के ऊपरी सिरे में भी बाहर स्पैन कटे रहते हैं जो हब से मैच रहते हैं, यानी स्टीयरिंग व्हील को घुमाने से स्टीयरिंग शाफ्ट मूवमेंट करती है। स्टीयरिंग शाफ्ट का निचला सिरा एक यूनिवर्सल ज्वाइंट के द्वारा जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल ज्वाइंट शाफ्ट की मोशन को एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करता है, और ये आप देख रहे हैं बीच में एक इंटरमीडिएट शाफ्ट जिसका निचला सिरा भी एक यूनिवर्सल ज्वाइंट के द्वारा जुड़ा हुआ है, और यहां पर यूनिवर्सल ज्वाइंट से एक पिनियन शाफ्ट जुड़ी होती है। पिनियन में गियर कटे रहते हैं जिसका संबंध इस मेटल ट्यूब के अंदर फिट किए गए रैक से रहता है। रैक में भी तीत कटे रहते हैं, यानी पिनियन को घुमाने से रैक जो है वो कुछ इस प्रकार से यानी हॉरिजॉन्टल मूव करती है। यहां देखिए आप, ये पिनियन है। पिनियन को जब हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो रैक है वो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल मूव करती है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये रैक जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये रैक जो है कुछ इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, जिससे क्या होता है इसके एंड में, यानी ये रैक है इसके एंड में क्या है, बॉल जॉइंट के द्वारा ये टाई रॉड जुड़ी हुई है। टाई रॉड की मूवमेंट होती है और टाई रॉड के पिछले सिरे पर ये स्टीयरिंग लिंकेज या इसको हम स्टीयरिंग नकल भी कहते हैं फिट किया जाता है, और नकल में ही जो है हमारे दोनों फ्रंट व्हील फिट किए रहते हैं। यानी रैक के घूमने से टायर रॉड मूवमेंट करते हैं, और टायर रॉड के मूवमेंट करने से नकल जो है राइट या लेफ्ट मूव करता है, जिससे हमारे व्हील एंगल में राइट या लेफ्ट घूमते हैं। अब देखते हैं वर्किंग। जैसे ही हम स्टीयरिंग व्हील को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उससे स्टीयरिंग शाफ्ट घूमती है। शाफ्ट के घूमने से इसके अंदर जो फिर पिनियन गियर है ये घूमता है, और पिनियन गियर रैक को घुमाता है। रैक के घूमने से टाई रॉड जो है ये अपनी मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जिससे स्टीयरिंग नकल राइट या लेफ्ट घूमना शुरू कर देता है, और जिससे हमारे व्हील जो है राइट या लेफ्ट मोड़ने शुरू हो जाते हैं। आजकल वाहनों में पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किया जा रहा है। ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए काफी अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, और अगर ड्राइवर को वाहन काफी लंबे समय तक चलाना है तो उस स्थिति में ड्राइवर स्टीयरिंग को व्हील को घुमाते घुमाते थक जाता है। इसलिए ड्राइवर के एफर्ट को कम करने के लिए, ताकि ड्राइवर थके नहीं, उसको आराम महसूस हो सके और वह वाहन को आसानी से गंतव्य तक पहुंचा सके, इसलिए वाहनों में पावर स्टीयरिंग प्रयोग किए जा रहे हैं। बेसिकली दो प्रकार के पावर स्टीयरिंग प्रयोग किए जा रहे हैं, पहला हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, इसमें कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि एक ऑयल पंप, उसको वैन पंप के नाम से भी जाना जाता है, जो इंजन से ड्राइव लेता है, और इस सिस्टम में एक रोटरी वाल्व जो वाल्व बॉडी में फिट रहता है, और वहां से दो हाई प्रेशर पाइपलाइन जो जुड़ी रहती हैं और उनका संबंध सिलेंडर से रहता है। सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन जो हाइड्रोलिक फ्लूइड के प्रेशर से मूवमेंट करता है, और पिस्टन का संबंध रैक से रहता है। कुछ इस प्रकार से देखिए,
यहां पर बीच में एक पिस्टन लगा हुआ है इसमें। जब रोटरी वाल्व के द्वारा ब्रेक फ्लूइड ये इस चैम्बर में यहां पर या सिलेंडर के अंदर पहुंचता है तो ये पिस्टन को इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, इससे हमारी जो रैक है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है। और रोटरी वाल्व के घूमने से जब फ्लूइड इस पाइपलाइन के द्वारा सिलेंडर के इस एरिया में पहुंचता है तो उस कंडीशन में पिस्टन जो है वो इस डायरेक्शन को घूमता है, जिससे जो रैक है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस प्रकार से जो रोटरी वाल्व है वो स्टीयरिंग व्हील के को राइट या लेफ्ट घुमाने से उसकी पोजीशन भी चेंज होती है और ब्रेक फ्लूइड जो है पाइपलाइन के द्वारा इस पिस्टन को राइट या लेफ्ट मूवमेंट करते हैं, जिससे इसके अंदर फिर रैक घूमती है और रैक के घूमने से ये टायर रॉड और टायर रॉड से स्टीयरिंग लिंक काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। अब हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में क्या कमी थी, थोड़ा सा दिक्कत थी कि सिस्टम में एक तो जो ऑयल पंप है वो इंजन से ड्राइव ले रहा था, यानी इंजन की कुछ शक्ति उसको चलाने में खर्च हो जा रही है, यानी इंजन पूरी पावर डेवलप नहीं कर पा रहा है, कर रहा है तो कुछ शक्ति उसको खर्च हो जा रही है उसको चलाने में। दूसरा इस सिस्टम में जो सील वगैरह है उसके कट जाने से या डैमेज हो जाने से या पाइपलाइन के डैमेज हो जाने से ऑयल लीक कर जाता है। इस त्रुटि को देखते हुए जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है और उस स्थिति में ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए काफी अधिक एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आजकल अधिकतर छोटे वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर स्टीयरिंग प्रयोग किए जा रहे हैं। इस सिस्टम में बैटरी का करंट एक इलेक्ट्रिकल मोटर को दिया जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगाई गई है, एक सेंसर है इसमें उसका नाम है टॉर्क सेंसर, जो स्टीयरिंग व्हील को घुमाने पर किस दिशा में टॉर्क लगाई गई है, कितने फोर्स से टॉर्क लगाई गई है वो डिसाइड करता है और फिर ईसीएम को सिग्नल भेजता है। ईसीएम उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल मोटर है उसको राइट या लेफ्ट घुमाने के लिए आदेशित करती है और ये हमारा रैक एंड पिनियन सिस्टम काम करता है। मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मोटर जो है कहां पर लगाया जाए। कुछ मैन्युफैक्चर ने क्या कर रखा है कि उस मोटर को यहां पर ये स्टीयरिंग कॉलम है इसी के अंदर लगा रखा है और उससे जो है ये जो पिनियन है इसको ड्राइव दी गई है, इस पिनियन को ड्राइव दी गई है। एक हम स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं उससे पिनियन घूम रहा है, दूसरा मोटर के सहायता से ये पिनियन घूम रहा है। अब ड्राइवर की जो शक्ति है उसको बहुत कम लगानी पड़ती है। पिनियन जो है रैक को घुमाता है जिससे रैक जो है बहुत इजीली आगे पीछे गति करता है और हमारी स्टीयरिंग व्हील के द्वारा हमारे जो व्हील है वो राइट एंड लेफ्ट मूव करने शुरू हो जाते हैं। और कुछ मैन्युफैक्चर ने क्या कर रखा है कि जो ये रैक है इसके पास में एक मोटर लगा रखी है, मोटर को बेल्ट के द्वारा इस रैक शाफ्ट से जोड़ दिया गया है, यानी ये रैक की मूवमेंट होती है, रैक कभी इधर कभी इस साइड में मूवमेंट करता है जिससे हमारे जो व्हील हैं वो राइट या लेफ्ट टर्न करते हैं। इस प्रकार से हमारे सिस्टम जो है कार्य करता है। और मैं अब आपको अंत में बताता हूं कि स्टीयरिंग रेशो क्या होती है। स्टीयरिंग रेशो स्टीयरिंग रेशो का मतलब होता है स्टीयरिंग व्हील को एक चक्कर घुमाने पर हमारा जो रैक जो है इसकी मूवमेंट कितनी होती है, या ये कह सकते हैं कि स्टीयरिंग व्हील को एक चक्कर घुमाने पर हमारे जो व्हील हैं वो कितने डिग्री राइट या लेफ्ट मूवमेंट करते हैं। तो स्टीयरिंग रेशो इसका फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू टर्न ऑफ स्टीयरिंग व्हील, टर्न ऑफ स्टीयरिंग व्हील बटे टर्न ऑफ द व्हील, टर्न ऑफ द व्हील इन डिग्री, इन डिग्री। यानी अगर हम स्टीयरिंग व्हील को एक चक्कर घुमाएं तो एक चक्कर में हो गया हमारा 360 डिग्री बटे, अगर हमारे व्हील 24 डिग्री राइट एंड लेफ्ट घूमते हैं
तो 360/24 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं आपस में तो 15 × 60 6 × 5 = 30 × 36 तो स्ट्रेन रेशो होगी हमारी 1:15:1। इसका मतलब हुआ कि स्टीयरिंग व्हील को अगर 15 चक्कर घुमाया जाए तो हमारे व्हील जो है 1 चक्कर पूरा घूमेंगे। छोटे वाहनों में जो स्टीयरिंग रेशो होती है वो लगभग 10:1 से 22:1 तक, और बड़े वाहनों में जो स्टीयरिंग रेशो होती है वो 21:1 से 32:1 तक होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग सिस्टम समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।